Dear students, Assalamu Alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing fine. Very good. Well, our today's topic is the story of Kathak. The story of Kathak. Well, if heroic traditions can be found in different regions, in different forms, the same is true of dance. Let's look at the story uh, of one dance form, Kathak, uh, now associated with several parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. प्यारे बच्चों जैसा कि हम हीरोइक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं मुख्तलि बहादुरी बहादुरी की कहानियाँ पढ़ते हैं जो हिस्ट्री में हैं सूरमाओं की मख्तल बादशाहों की कि उन्होंने क्या कौन कौन सी फतूहत की कौन कौन सी कॉन्केस्ट्स की कहाँ हुकूमत की और कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए तो इसी तरह से हम जो है जो डांस है डांस के बारे में और इसकी जो सूरतें हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म्स जो हैं इनके मुतालिक भी हम यही कह सकते हैं कि इनकी ट्रेडिशंस जो हैं इनका इनकी इनका जो सकाफ़त पर असर है वो भी एक हकीकत है हमें भी ये डांस जो है डांस की मुख्तफ जो फॉर्म्स है, हैं मुख्तलिफ़ो शक्लें हैं ये भी हमें तारीख़ में मिलती हैं तो ऐसी ही एक ख़ूबसूरत कहानी है कथक डांस की कथक जो है ये एक फेमस डांस है इंडिया का तो इस इसको एसोसिएट किया जाता है जो नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उनके साथ वहाँ ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है तो कथक जो है एक्चुअली इट इज डिराइव फ्रॉम कथा कथा इज द संस्कृत वर्ड एंड इट मीन्स स्टोरी कथा का मतलब है स्टोरी तो कथा से ही डिराइव किया गया है कथक तो कथक डांस जो है ये कथा से डिराइव किया गया है द कथक वायर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया हु एम्बेलिश दियर परफार्मेंसिस विद जस्चर्स एंड सॉन्ग्स तो कथक असल में एक जाति के लोग थे ये स्टोरी टेलर्स थे कहानियां सुनाते थे ये मंदिरों में तो ये जो लोग थे ये अपनी कहानी को मुख्तलिफ़ जस्चर्स के जरिए और मुख्तलिफ़ डांस परफॉर्मेंस परफार्मेंस के जरिए और सॉन्ग्स में उनको डाल के गीतों की सूरत में उनको सुनाते थे उन स्टोरीज़ को तो इनको कथक्स कहा जाता था इन लोगों को जो ये सॉन्ग्स के ज़रिए और जेस्चर्स के ज़रिए कहानियाँ सुनाते थे इनको कथक कहा जाता था कथक इन लोगों को तो कथक जो है ये कथक डांस कथक बिगैन यू डिस्टिंगज विद द स्प्रेड ऑफ द भगती मूवमेंट पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में जब भगती मूवमेंट स्प्रेड हुई सारे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में तो उसी जमाने में ये जो कथक डांस है इसने भीज पाया इसने भी उसी जमाने में तरक्की पाई तो उसी जमाने में ये मशहूर हो गया लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वायर एनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्टर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स तो इनमें जो सबसे मशहूर जो कहानी है वो है राधा कृष्णा की कहानी राधा कृष्णा जो लीजेंड है तो उनकी कहानी को इन्होंने परफॉर्म किया कथक में कथक डांस में कथक स्टोरी टेलर्स जो थे उन्होंने राधा कृष्णा को परफॉर्म किया तो इस परफॉर्मेंस को रास लीला कहा जाता है आज भी ये परफॉर्म किया जाता है उसको रास लीला कहा जाता है तो ये बहुत मशहूर हुआ ये डांस अंडर द मुगल एम्पायर्स एंड देयर नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोट वायर इट एक्र्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स And developed into a form of dance with a distinctive style। तो मुगलों की हुकूमत में मुगलों की बादशाही में ये कथक डांस जो है ये कोर्ट में भी बादशाह के दरबार में भी परफॉर्म किया जाता था तो वहाँ इसको जो है ये जो आज इसकी फ़ीचर्स आज इसके जो इस, इसकी सूरत शक्ल जो आज है वो वहाँ ही डेवलप हुई है मुगल दरबार में डेवलप हुई है तो उसका जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता था एक ख़ास स्टाइल और ख़ास किस्म का डांस जो है ये वहाँ परफार्म किया जाता था मुगलों के दरबार में तो मुगलों ने इसका जो है इसकी सरपरस्ती की वो इसके पैटर्न बने सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशंस ऑफ ग्रास वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन लखनऊ अंडर द पेट्रेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रीव इन टू ए मेजर आर्ट फॉर्म तो ये बाद में जो है इसको ये डिवाइड हो गया दो घरानों में इसकी दो ट्रेडिशंस हो गई एक घराना जो है वो राजस्थान के कोट्स राजस्थान के दरबारों में परफॉर्म किया जाता था वो एक घराना जो था वो परफॉर्म करता था जयपुर में जयपुर राजस्थान में वहाँ ये राजपूतों के इलाके में वहाँ ये परफार्म किया जाता था तो दूसरा जो घराना था वो लखनऊ में इसको परफार्म करता था लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जो थे आखिरी नवाब अवध के अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह वो वहाँ के आखिरी नवाब तो इन्होंने इसको पैट्रोनेज की, इसको पैट्रोनेज दी इसको सरपरस्ती दी इसको बहुत इन्होंने रूज दिया तरक्की दी और उनके कोर्ट में ये परफॉर्म किया जाता था ये कथक डांस इट ग्रीव इन टू ए मेजर आर्ट फॉर्म अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह बाई द थर्ड क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी It was firmly enacted as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day Punjab, Haryana, and Jammu and Kashmir, uh, Bihar, and Madhya Pradesh. Mein ye in tak gaya, bhi ye tha. Emphasis was laid on uh, intricate and rapid footwork, elaborate costumes, as well as ऑन एनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज तो तीन चीज़ों पे यहाँ इस डांस के की जो परफॉर्मेंस होती थी वहाँ तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता था एक था रैपिड फुटवर्क जो वहाँ पे स्टेप्स होते हैं डांस में फुटवर्क तो उस पर ध्यान दिया गया वो इसका पहला उसूल था उसके स्टेप्स कैसे होने चाहिए तो उस पर ध्यान दिया गया दूसरा था एलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स वो जो कपड़े वहाँ पे पहन पहने जाते हैं उस डांस के वक्त उसको परफॉर्म करते वक्त वो जो स्पेशल कस्म के कॉस्ट्यूम्स होते हैं तो दूसरा वो इसके लिए लाजमी था और तीसरी चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी थी वो थी एनेक्टमेंट ऑफ स्टोरी कि इसमें जो स्टोरी है वो थीम है वो उस पे ध्यान दिया जाता था ये तीन चीज़ें मिलके कथक डांस को बहुत खूबसूरत बनाती थी और इसकी परफॉर्मेंस को ये, ये परफॉर्म करते वक्त इन तीन चीज़ों का नियत ख्याल रखा जाता था Now, कथक लाइक like, several अदर कल्चरल practices, was viewed वुड विद by the most मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द दाइनटीन एंड ट्वेंटियथ सेंचुरीज अब जब बाद में ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उनके जो अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे थे उन्होंने यहाँ की जो कल यहाँ का जो कल्चर था जो सब सबकॉन्टीनेंट का अपना कल्चर था अपनी सकाफत थी उसको अंग्रेज़ों ने डिसफेवर किया नजरअंदाज किया उसकी तरफ ज़्यादा तोजु नहीं दी तो कथक भी उस जद में आ गया कथक को भी उन्होंने डिसफेवर किया नजरअंदाज किया उसको ज़्यादा उन्होंने अहमियत इम्पोर्टेंस नहीं दी लेकिन ये फिर भी सर्वाइव कर गया कथक जो है इट सर्वाइवड इट्स बाई द डिसफेवर बाय द ब्रिटिश इट्स एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म बाय द कोटिजांस एंड वाज रिकोगनाइज एज वन ऑफ द सिक्स क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडरस्टैंड तो ये जो यहाँ मतलब इसको कोटिज़न्स जो थी दासियाँ उनको कहते हैं दासियाँ जो थी वो होती थी दरबारों में बड़े बड़े तो उन लोगों ने इसको कंटिन्यू किया इसको उन्होंने इसकी प्रैक्टिस को इसकी परफॉर्मेंस को उन्होंने जारी रखा और बिल आखिर ये जो इंडिया की छः क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें कथक का, का अपना एक अलग मकाम है और वो मुकाम वो पोजीशन पाने में ये कामयाब हो गया और इंडिपेंडेंस के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज सिक्स्थ क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डांस ठीक है तो दिस इज अबाउट द कथक डांस एंड इट वाज द स्टोरी ऑफ कथक डांस नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू हु वर द मेजर पैटर्नस Of Kathak, who were the major patrons of the Kathak? I hope you know answer to this question. Yes, okay. Mughal emperors and their nobles were patrons of the Kathak, and it was performed in their courts in a form of dance with a different style. Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh. Was its great patron under whom it grew into a major art form. Okay, so that's all for today. With this, I take your leave. Thank you very much and goodbye.